इन बुद्धा जी, आज के सब्जेक्ट है बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही उच्च लेवल का गाइडेंस हमें मिलने वाला है। इसके लिए हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो पहले थोड़ी देर के लिए अपने आप को फोकस करने के लिए रिलैक्सेशन मोड में आइए। सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन, जेंटली क्लोज योर आईज। धीरे से अपनी आंखें बंद कर दीजिए। अपने माइंड बॉडी को सेंटर करने के लिए अपना पूरा ध्यान सांसों की आवन जावन पे, पूरा ध्यान सांसों की आवन जावन पे, सांसों डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। धीमी और गहरी सांस जो स्वाभाविक बन रही है, इस धीमी और गहरी सांस के साथ देखिए अपने अंदर आते हुए बदलाव को। जैसे ही सांस अंदर जा रही है, पूरे शरीर का तनाव और अकड़न दूर हो रही है। धीरे और शरीर का जो भी टॉक्सिक है वो बाहर जाती हुई सांस के साथ बाहर निकल रहा है। अंदर जाती हुई सांस आपको ऊर्जावान बना रही है और बाहर निकलती हुई सांस आपको प्यूरिफाई कर रही है। अपने सिर्फ इंटेंशन डाले, भाव डाले, आती जाती सांस मेरे शरीर को रिलैक्स कर रही है, शिथिल कर रही है। और शुद्ध मन से किया हुआ ये भाव देखिए आपके शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा है। धीरे आपका शरीर और मन एक ही तार से जुड़े हुए हैं, एक ही डोर से बंधे हैं। जैसे शरीर रिलैक्स हो रहा है, मन अपने आप शांत हो रहा है। मन शांत और गहराई की अवस्था में आ चुका है। मन की ये गहराई आपको भक्ति भाव से भर रही है। आपके और यही भक्ति भाव आपको अपने ईश्वर की याद दिलाता है, आपके इष्ट देव, आपके गुरुदेव, जिनकी भी आपको याद आ रही है। प्रार्थना करें इसी ईश्वर से, इसी गुरु से, अपने ही मन मंदिर में जिन भगवान को स्थान दिया है,
इससे भगवान को बाबा को प्रणाम करते हुए पूरे भाव के साथ, हे ईश्वर बाबा हमें आज जो भी विजडम नॉलेज गाइडेंस जो भी मिलेगा, वो मिलने वाला गाइडेंस को पूरी तरह से अपने अंदर मन में दिलो दिमाग में उतारने की और जीवन में अमल करने की शक्ति प्रदान करें। पूरे भाव के साथ, नमन के साथ की गई प्रार्थना को ईश्वर ने कबूल कर लिया है। और आपको सामर्थ्यवान बना दिया है। आपके गुरु मास्टर आपकी आध्यात्मिक प्रगति से बहुत ही खुश है और पूरी तरह से आपकी सहायता कर रहे हैं। मनोमन धन्यवाद करते हुए अपने ही अंदर हो रहा ऊर्जा का संचार को अनुभव करते हुए धीरे से आप इसी प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें। इसी वर्तमान क्षण में अपने आप को लाए फिर आप अपनी आंखें खोल सकते हो। फिर से आप सभी का स्वागत है इसी सत्र में। साई करुणा मिशन के आज का ये नए सब्जेक्ट के साथ हम फिर से मिले हैं। सब्जेक्ट का नाम है कृष्णा एंड शिवा इन बुद्धा। इतना बढ़िया सब्जेक्ट है और इतनी ऊंचाई पे सर हमें दिन ब दिन ले जा रहे हैं और हमारी सबकी भी यही साधना भी है और ये जो प्रैक्टिस भी है उसका ही नतीजा है कि हम सब इतने सालों से जुड़े हैं और हम एक साथ में एक दूसरे की सहायता करते हुए आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। और आध्यात्मिक उन्नति में हमारा फाइनल लक्ष्य क्या होता है, अल्टीमेट जो हमारा डेस्टिनी है वो है बुद्ध बनना, वो है बुद्धत्व को पाना। तो हाँ, अब सर ने यही रास्ता बताया है कि हमें अल्टीमेट कुछ भी करे, कितनी भी क्रियाएं करे, कितनी भी रिलीजियस हम पूजा अर्चना करे, कितने भी मंत्रों की चैंटिंग करे, कितना भी हम हीलिंग करे, डीलिंग करे कर्मा को, जैसे हमें न्यूट्रलाइज करना है, शून्य पे आना है, ये सब कुछ हम करेंगे और फाइनली हमें बुद्धत्व को प्राप्त करना है। तो ये ही बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए हमारे पास बहुत ही बढ़िया टूल है और बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन बताई है सर ने कि कृष्णा एंड शिवा की जो फ्रीक्वेंसी है, लास्ट टाइम भी हमने यही बात पे डिस्कशन किया था और यही बात पे कुछ नया गाइडेंस लिया था, आज इससे भी ऊपर का हमें डायरेक्शन मिली है तो उस पे हम जाना चाहते हैं। कृष्णा एंड शिवा इन बुद्धा, तो हम बात करते हैं कि हर टाइम हम जानते हैं, सर भी बताते हैं कि शिवा की जो फ्रीक्वेंसी है वो तोड़ने वाली फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा कंफर्ट जोन है, लास्ट टाइम हमने कंफर्ट जोन को तोड़ा था और कृष्णा की फ्रीक्वेंसी से हमने प्रेम से तोड़ा था। तो आज वो ही डायरेक्शन में
एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए हमें बुद्धत्व की ओर जाना है, हमें बुद्धत्व को प्राप्त करना है, तो इसके लिए क्या करना है, वो ही फ्रिक्वेंसी का हमें यूज करना है, वो ही कॉन्सियसनेस को हमें अपने अंदर लाना है, सिवा की कॉन्सियसनेस। और सिवा की कॉन्सियसनेस जो हमारे अंदर कंफर्ट जोन को तोड़ती है, हमारे अंदर जो भी अनवांटेड पैटर्न है, बिलीफ सिस्टम है, सबको तोड़ने की एक फ्रिक्वेंसी है। और हमारे पास जो टूल्स भी है, जो हमारी थेरापी भी है, उसमें भी तोड़ने की एक प्रक्रिया है जिसको हम साइकिक सर्जरी कहते हैं। तो वो साइकिक सर्जरी भी सिवा की थेरापी है जो उसमें हम तोड़ते हैं। तो हमें हमारे हर चक्र से, हर लाइफ की हर पैटर्न, जो भी हमारी अनवांटेड पैटर्न बन चुकी है, उसको हमें तोड़ना है, वो भी सिवा की कॉन्शियसनेस के साथ। और हमने लास्ट टाइम वो जो जाना था कि हम हमारे ही चक्र के अंदर बने पड़े अनवांटेड एनर्जी को तोड़ने के लिए सिवा की कॉन्शियसनेस को यूज करेंगे, लेकिन प्रेम से, कृष्णा की फ्रीक्वेंसी के साथ। आज हमें और एक स्टेप क्या करना है, खुद के लिए सिवा बनना है, लेकिन खुद के लिए कृष्णा को यूज नहीं करना है, औरों के लिए हमें कृष्णा बनना है। कृष्णा मतलब प्रेम, कृष्णा मतलब एक कंपेशन। तो हमें औरों के लिए कृष्णा फ्रीक्वेंसी का यूज करना है, औरों के लिए हमें कृष्णा बनना है, औरों के लिए हमें कृष्णा की चेतना में आना है, और खुद के लिए, क्योंकि खुद को हमें और ऊपर ले जाना है और बुद्धत्व के पास, मतलब बुद्धत्व को पाना है, तो इसलिए खुद के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सिवा बनना है। आज तक हम अलग करते थे, उल्टा करते थे, खुद को बिल्कुल कंफर्ट जोन में रखते थे और दूसरों को हम चेंज होने के लिए मनाते थे, या तो वो एक आशा रखते थे कि ये चेंज हो जाए, मुझे खुद को चेंज नहीं करना है, सामने वाला चेंज हो जाए। लेकिन अगर अल्टीमेट हमारी डेस्टिनी बुद्धा है, तो अब अगर हमें बुद्ध बनना है, तो हमें खुद के लिए सिवा बनना है, औरों के लिए कृष्णा बनना है। तो कृष्णा एंड सिवा इन बुद्धा, क्योंकि बुद्धा ने यही किया था। बुद्धा ने क्या किया था, औरों के लिए बहुत ही कंपेशन, बहुत ही प्रेम और दया करुणा दिखाई थी, खुद पे कभी दया करुणा ऐसी नहीं दिखाई थी। जो उनके जो रुकावट आती थी स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने के लिए, वो हर पैटर्न को उन्होंने तोड़ा था, हर पैटर्न को, हर रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को उन्होंने तोड़ा था। तो यही है सिवा के साथ हमें काम करना है, खुद के लिए सिवा बनना है, औरों के लिए कृष्णा बनना है, तभी जाकर हम बुद्धत्व को प्राप्त होंगे। तो अल्टीमेट हमारी डेस्टिनी है, हमने बहुत काम किया है, अपने माइंड पे काम किया है, सोल पे काम किया है, तो अब खुद पे कैसे और कब कब काम करना, जब भी हमारे कंफर्ट जोन को तोड़ना है, तभी हमें सिवा की फ्रीक्वेंसी का यूज करना है। ओके, तो और हमारे पास दो बहुत ही बढ़िया टूल है, कृष्णा का टूल भी हमारे पास है, सिवा का भी है। करुणा हीलिंग जो है, वो करुणा नाम से ही मालूम पड़ता है कि वो कंपेशन की एनर्जी है, वो कृष्णा की एनर्जी है, वो लव की एनर्जी है। तो लव की एनर्जी औरों को बांटनी है, सबको बांटनी है, सबको हील करना है, सबके साथ लव कंपेशन करना है, सबको हमें सिंबल देना है। खुद को तो हम देते ही है, देना ही है, लेकिन साथ साथ में जो साइकिक सर्जरी है, जो सिवा की फ्रीक्वेंसी है, जो सिवा की एक पैटर्न है, वो खुद के लिए बार बार यूज करनी है। तो खुद की जितनी भी साइकिक सर्जरी हो सके, इतनी हम सिवा की चेतना को सिवा की चेतना में रहेंगे, और अपने आप के लिए जब हम सिवा बनेंगे, औरों के लिए कृष्णा बनेंगे, तो इजीली हम बुद्धत्व को पाएंगे। तो ये सुंदर सा मैसेज है, बहुत ही गहराई वाला मैसेज है, और सर की कृपा है, सर का अट्यूनमेंट हमारे साथ है। हमारे पास बाबा के बहुत ही प्यारे
सिंबल है, तो हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है। तो वो अप्लाई करने के लिए हम डेली मिलते हैं और डेली अलग अलग तरीके से हम मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वेरिएशन की वेरिएशन में हम हर रोज अलग अलग काम करते हैं। तो आज की हीलिंग, आज की मेडिटेशन भी हम बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे, खुद में शिवा को पाएंगे और कृष्णा का भी हम अनुभूति करेंगे। तो आइए हम बुद्धत्व की और एक कदम आगे बढ़ाते हैं, कभी ना कभी तो पहुंचने वाले हैं। हम सब क्यों साथ में ही न जाए, आइए हम सब साथ में ये मेडिटेशन करते हैं। कृष्णा एंड बुद्धा इन कृष्णा एंड शिवा इन बुद्धा, बहुत ही सुंदर सा मेडिटेशन करेंगे। तो इसके लिए प्यार के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन डाल के हम तैयार करते हैं। प्लीज सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। जेंटली क्लोज योर आईज। बहुत ही प्यार के साथ क्लोज योर आईज। पूरा ध्यान गहराई से अंदर जाने वाली सांसों पे, और शरीर को हल्का कर बाहर निकलने वाली सांस, आती जाती हर सांस को प्यार भरी नजर से देखिए, जो आपका शुद्धिकरण कर रही है, जो आपको जीवन प्रदान कर रही है। यही सांसें जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व बना है, सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती, बहुत ही प्यारी सी सांस जो अंदर जा रही है और पूरे शरीर में फैल रही है ये वाइब्रेशन, और बाहर निकलती हुई सांस आपके सभी अनवांटेड एनर्जी को लेकर बाहर निकल रही है। अब लंबी गहरी सांसें लीजिए और ये गहरी सांस के साथ देखिए अनुभव कीजिए, जैसे आपके क्राउन चक्र से आप सांसें ले रहे हो और ये सांस मूलाधार चक्र तक पहुंचकर वापस बाहर निकल रही है। इतनी गहराई वाली सांस जो पूरे शरीर में घूम रही है और ब्रह्मांड से आ रही है, गहरी सांस के साथ जैसे आपको प्यार होने लगा है, लगाव होने लगा है, यही गहरी सांस
अब आपकी आदत बन चुकी है। और इसी गहराई के साथ साथ आपका शरीर रिलैक्स होने लगा है। जैसे ही शरीर रिलैक्स हो चुका है, आपका मन पूरी तरह से शांत मन की शांत अवस्था को अनुभव करें। और बड़े ही भाव के साथ, भक्ति भाव के साथ इन्वोक करें। लॉर्ड शिवा को देवों के देव महादेव को कृष्णा का आवाहन करें। बुद्धा का आवाहन करें। मन की नजर से देखिए ब्रह्मांड में कृष्णा, शिवा और बुद्धा तीनों आपकी सहायता के लिए, आपकी इन्वोकेशन पे तैयार है, आपकी मदद करने के लिए। और ये तीनों को मिलाने की जिन्होंने साजिश की है वो है आपके इष्ट देव, वो है आपके गुरुदेव। याद करें अपने ही इष्ट देव को, गुरुदेव मास्टर को, उदय सर को, साईं बाबा को, महावतार बाबा और अनगिनत देवी देवता, करोड़ों देवी देवता। जितनी भी दिव्य एनर्जी है सभी दिव्य चेतनाओं का आवाहन करते हैं। और देखिए ब्रह्मांड से एक ऊर्जा का प्रवाह आपकी ओर बढ़ रहा है और इसी ऊर्जा में शामिल शिवा, कृष्णा एंड बुद्धा तीनों हंसते मुस्कुराते हुए इसी ऊर्जा में समा चुके हैं। और ये ऊर्जा धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रही है, जिसमें एंजल्स की प्रोटेक्शन, गुरुदेव की कृपा और रेखी करुणा रेखी के सभी सिंबल की एनर्जी शामिल हो चुकी है। अब देखिए ऊर्जा आप तक आ पहुंची है,
इस ऊर्जा को आप कोई भी रंग में कल्पना कर सकते हो। आपके लिए आपका जो फेवरेट कलर है, इसी कलर की ये ऊर्जा बन चुकी है। ब्रह्मांड में तो रेनबो कलर सभी मौजूद है। आपके मन पसंद का कलर इस ऊर्जा में समा चुका है और ये आपके पसंद के कलर का जो एनर्जी का एक डोर है, आपके खुले हुए क्राउन चक्र से एंटर हो रहा है। ये कलरफुल एनर्जी जैसे ही आपके क्राउन चक्र को टच कर रही है, आपके शरीर में रोमांच का अनुभव हो रहा है। एक नई नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और जैसे ही ये क्राउन चक्र से एंटर हो रही है, आपका ओरा चेंज हो रहा है। सभी चक्र को भेदते हुए ये एनर्जी आपके मूलाधार चक्र में पहुंच चुकी है। मूलाधार चक्र में आप महसूस कर रहे हो कुछ गुदगुदी जैसा, कुछ हल्की सी कंपन स्पंदन अनुभव करे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की ये ऊर्जा जिसमें प्रेम है, करुणा है, शिवा है, ये ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र को स्पर्श कर रही है और देखते ही देखते आपका मूलाधार चक्र खुल चुका है, पूरी तरह से खुल चुका है। और यहाँ पे शिवा की चेतना एक्टिव हो चुकी है। शिवा जो अंतर्यामी है, आपके मूलाधार चक्र में भरे दबे पड़े कितने भी अनवांटेड इमोशंस, एनर्जी और जिनको भी हमें तोड़ने की जरूरत है, वो सभी पार्टिकल्स, सभी ब्लैक पार्टिकल्स को ये शिवा की कॉन्शियसनेस तोड़ रही है। चाहे वो मूलाधार चक्र में भरे पड़े फियर की एनर्जी हो, सेफ्टी या अनसेफ्टी की जो भाव है, जो भी पार्टिकल्स छोटे बड़े कण के स्वरूप में है, माइक्रो है या मैक्रो है, छोटे बड़े सभी कण को इस शिवा की चेतना ने अपनी असर दिखा दी है। और आपने पूरी तरह से अलाउ किया है शिवा को सब अनवांटेड पैटर्न को तोड़ने के लिए, सभी ब्लैक पार्टिकल्स को डिसॉल्व करने के लिए। यही शिवा की एनर्जी है
जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का विष जहर अपने गले में समा लिया, इनके लिए आपके मूलाधार चक्र के विष को, टॉक्सिक को खत्म करना कोई नई बात नहीं है, ये शिवा की फ्रीक्वेंसी है। सिर्फ अलाउ कीजिए, ओपन करिए अपने आप को, सरेंडर करिए, समर्पित हो जाइए। आज शिवा खुद आए हैं आपके अंदर और सभी अनवांटेड, सभी विषैले पदार्थ को, इमोशन और अनवांटेड मेमोरी को खुद के अंदर निकल जाने के लिए, जैसे ही आप पूरी तरह से सरेंडर हो चुके हो, शिवा ने आपके मूलाधार चक्र को पूरी तरह से क्लीन कर दिया है, सब अनवांटेड एनर्जी इमोशन को निगल लिया है। अब आप में कृष्णा फ्रीक्वेंसी, कृष्णा की कॉन्शियसनेस एक्टिव हो चुकी है और देखिए आपका मूलाधार चक्र जो पहले फियर से भरा था, असुरक्षा की भावना थी, वो सब मुक्त हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ प्रेम के कृष्णा की फ्रीक्वेंसी एक्टिव हो चुकी है और जैसे ही कृष्णा शिवा ने बैलेंस किया है, आपके ही अंदर बुद्धत्व जागने लगा है। खुद को कुछ अलग ही फॉर्म में आप महसूस कर रहे हो। गहरी लंबी सांस लेते हुए अपना इंटेंशन डाले सेक्रल चक्रा पे, जहां पे सूर्य ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। आप सिंबल या मंत्र का चैंटिंग कर सकते हो और सिर्फ सरेंडर होके कृष्णा शिवा को अपना काम करने दो सेक्रल चक्रम में। शिवा की फ्रीक्वेंसी ने पूरी तरह से सभी विषैले पदार्थ को, अनवांटेड एनर्जी को, जितने भी कंफर्ट जोन था सभी को तोड़ने के लिए अपनी चेतना का विस्तार कर लिया है। आपके ही सेक्रल चक्र में जितने भी इनसिक्योरिटी के भाव थे और न जाने कैसे कैसे इमोशन, जिन्होंने सभी पार्टिकल को ब्लैक बना रखा था, जहरीला बना रखा था, आज महादेव ने ये सभी जहरीले पदार्थ को अपने अंदर निगल लिया है। यू आर टोटली रेडी टू ब्रेक ऑल अनवांटेड पैटर्न्स। And comfort zone. सभी wrong beliefs को तोड़ने के लिए आप
तैयार हो और आपके ही इंटेंशन पे शिवा ने ये काम कर दिया है। आपका सैक्रल चक्र पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, शिवा की चेतना का विस्तार हो रहा है आपके चक्र में, और कृष्णा का प्रेम फैल रहा है। जैसे ही कृष्णा एंड शिवा की चेतना ने अपना असर दिखाया है, प्रेम से आपके सैक्रल चक्र को भर दिया है, आप में नया ही जोश आ चुका है, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, जो बुद्धत्व की ऊर्जा है। जहां पे लव है वहीं पे लाइट है, कृष्णा का लव और बुद्धत्व की लाइट आपके अंदर जग चुकी है। सैक्रल चक्र पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हो चुके हो। गहरी सांस लेते हुए मणिपुरा चक्र पे देखिए, आपके मनपसंद रंग की ऊर्जा इस मणिपुरा चक्र में घूम रही है, फैल रही है, इसमें शिवा की ऊर्जा है। इसी शिवा को अलाउ कीजिए मणिपुरा चक्र से सभी अनवांटेड पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। हाईएस्ट एनर्जी आज आप पे काम कर रही है, अपना भाव पूरी तरह से समर्पित। मणिपुरा चक्र जहां पे सबसे ज्यादा रॉन्ग पैटर्न बनी रहती है, जहां पे हेरिडिटरी रॉन्ग पैटर्न हम कैरी करके आते हैं, जहां पे एंसेस्टर्स की पैटर्न जन्मों से चली आती है, जहां पे फायर एनर्जी बार बार इम्बैलेंस हो रही है, और न जाने कितने भी कंफ्यूजन्स इस चक्र में भरे पड़े हैं, कितने कार्मिक पड़े हैं। ओपन कर दीजिए अपने आप को, सौंप दीजिए शिवा को, और देखिए शिवा ने सभी अनवांटेड पैटर्न को ब्रेक कर दिया है। मानो शिवा आपकी साइकिक सर्जरी कर रहे हैं और सभी ब्लैक पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं। आपका मणिपुरा चक्र पूरी तरह से क्लीन हो रहा है, हल्का हो रहा है। जैसे ही शिवा ने अपनी चेतना से मणिपुरा चक्र पे काम किया, कृष्णा का प्रेम जागृत होने लगा है, आप में वो प्रेम की ऊर्जा
वो लव, हर कण कण में फैल रहा है, और जैसे ही लव से भर चुके हो खुद के लिए औरों के लिए, अनकंडीशनल लव से बुद्धा की लाइट, बुद्धत्व आप में जाग उठा है। ये नई अनुभूति आप बहुत ही रोमांच के साथ अनुभव कर रहे हो। बुद्धत्व को पाने की ये सफर आपके लिए एक नया ही अनुभव है। बहुत ही खुशी के साथ शिवा और कृष्णा की चेतना को गहरी सांस के साथ देखिए, अपने ही हार्ट चक्र में फैलते हुए। जैसे ही आपका प्यारे रंग का दिव्य प्रकाश हार्ट चक्र में प्रवेश कर लिया है, आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से खुल चुका है, एक्सपांड होने लगा है, और जो छोटी बड़ी जितने भी ब्लॉकेजेस, अनवांटेड एनर्जी, अनवांटेड इमोशन या पैटर्न, रॉन्ग बिलीव सिस्टम और न जाने क्या क्या जो खुद के लिए अच्छा नहीं है, सौंप दीजिए शिवा को। अपने हार्ट चक्र को पूरी तरह से ओपन कर दीजिए और शिवा को, शिवा के श्री चरणों में एक फूल की तरह रख दीजिए, बड़े ही प्यार के साथ अर्ज कीजिए शिवा को, मेरे हृदय में भरे पड़े अनवांटेड एनर्जी, अनवांटेड इमोशन और जो अनवांटेड मेमोरी, सबको डिलीट करने के लिए शिवा आपको अर्ज कर रहे हैं, आपको समर्पित हो रहे हैं। यही हृदय जो पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए, ये हृदय में न जाने कहां से कितना मैल भर चुका है। अब हमारे बस की बात नहीं है शिवा, आप ही मदद कर सकते हो। और देखिए परम कृपालु परमात्मा ने आपके हृदय की हर धड़कन को अपने अंदर समा लिया है। देखिए आपके हृदय की हर धड़कन में शिवा बसे है। जैसे ही हर रॉन्ग पैटर्न, रॉन्ग बिलीव सिस्टम, एंगर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, निंदा सबको अपने अंदर समा लिया है और आपके हार्ट से गायब कर दिया है। देखिए आपका हार्ट चक्र पहले से 10 गुना ज्यादा एक्सपांड हो रहा है। बहुत ही शुद्ध क्लीन हो चुका है और कृष्णा का प्रेम,
उसमें और शुद्धता दे रहा है। जैसे ही कृष्णा का प्रेम छलक रहा है, आपका हार्ट चक्र ओवरफ्लो हो रहा है अनकंडीशनल लव के साथ, सभी सिंबल की एनर्जी यहाँ पे भर चुकी है और 10 गुना ज्यादा एक्सपांड हो रहा है हार्ट चक्र। आप पहली बार महसूस कर रहे हो ये हायर एनर्जी को, हायर फ्रिक्वेंसी को एक साथ पूरे ही प्यार के साथ, लव के साथ भरा हुआ ये हार्ट, और जिसमें बुद्धत्व पन रहा है, बुद्धत्व की ज्योत जल चुकी है और इस ज्योत को सदा सदा के लिए अपने ही हार्ट चक्र में बनाए रखिए। सिर्फ भाव डालिए इसी हार्ट में। ये लव के साथ लाइट का भी अस्तित्व बना रहे, और जहां पे लव एंड लाइट आपके हृदय में बस चुकी है, अल्टीमेट डेस्टिनी की ओर आपके और एक कदम आगे जा रहे हो, बुद्धत्व को पाने का रास्ता अब इजी बन चुका है, आसान हो गया है। इसी दिव्य ज्योति को देखिए आपके ही विशुद्ध चक्र में, और विशुद्ध चक्र में जितने भी अनवांटेड एनर्जी पैटर्न्स आपने भरी रखी है, बना रखी है, कितनी भी कोशिश करते हुए जो पैटर्न, जो ब्लॉकेजेस दूर नहीं हो पा रहे हैं, आज हमारे पास अल्टीमेट रास्ता है। सिवा हमारे पास हमारे ही थ्रॉट चक्र में सभी अनवांटेड पैटर्न पे काम कर रहे हैं। सरेंडर, पूरा समर्पण, पूरे भाव के साथ और जैसे ही आपने अलाउ किया, शिवा ने विशुद्ध चक्र को पूरी तरह से क्लीन कर दिया है, सभी अनवांटेड पैटर्न को, सालों से दबे पड़े इमोशन को, सभी ब्लैक पार्टिकल्स को हटा दिया है, अपने ही अंदर समा लिया है। विशुद्ध चक्र पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है। जैसे ही विशुद्ध चक्र अनवांटेड एनर्जी से मुक्त हो गया है, कृष्णा का प्रेम छलक रहा है, और देखिए आपके हर शब्द में, हर वाणी में, आपकी हर हरकत में प्रेम पनप रहा है, प्यार छलक रहा है।
आप में बुद्धत्व जागृत हो रहा है, बुद्धा की लाइट लव के साथ मर्ज होकर हर कण कण में समा चुकी है। गहरी लंबी सांस लेते हुए अनुभव करें, आप लबालब लव और लाइट से भर चुके हो। आपकी वाणी माधुर्य टोनालिटी सुधींग हो रही है। आप में आ रहा ये चेंज, ये बदलाव आप पूरी तरह से अनुभव कर पा रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो। लंबी गहरी सांस लेते हुए इसी दिव्य चेतना को अपने ही थड़ाई में प्रवेश करता हुआ देखे, और जैसे ही थड़ाई चक्र में इसी शिवा की चेतना ने विस्तार कर लिया है, आपका मन पूरी तरह से समर्पित हो चुका है और मन में भरे पड़े दबाए रखे सभी इमोशन को, अनवांटेड एनर्जी मेमोरी को इस शिवा ने पल भर में गायब कर दिया है। जन्मों जन्मों की जो अनवांटेड मेमोरी और पैटर्न्स कैरी करते हुए आए थे, जैसे ही शिवा की तीसरी आंख पल भर में खुलती है और बंद होती है, ऐसे ही पल भर में आपके थर्ड आई चक्र को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया है। सभी कंफर्ट जोन को तोड़ दिया है और अब ये आसान हो चुका है आपके लिए इंट्यूशन को समझना, नॉलेज को डाउनलोड करना और विजडम को पाना आपके लिए बहुत ही आसान हो चुका है। कृष्णा का प्रेम आपके मन के हर कोने में फैल चुका है, उभर रहा है और बुद्धत्व की ये ज्योत सदा सदा के लिए आपके थर्ड आई पे बन रही है। अब आप बहुत ही आसानी से अपने लिए शिवा बन रहे हो, औरों के लिए कृष्णा बन रहे हो और बुद्धत्व की ओर एक एक कदम आगे चल रहे हो। इसी बुद्धत्व को पाने के लिए जन्मों जन्म साधना करनी पड़ती है, कष्टदायक तप करने पड़ते हैं, आज इसी अवस्था में
हम अपने ही गुरु की कृपा से, इष्ट की वरदान से, हमने ये अनुभूति कर सकते हैं। गुरु की कृपा सदा सदा के लिए लव और लाइट के साथ हम पे बन रही है। जैसे ही आपका मन थर्ड आई चक्र पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, आप इजीली कनेक्ट कर पा रहे हो ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ, डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ, हायर सेल्फ के साथ, और जैसे ही गहरी सांस ली, इसी दिव्य चेतना ने आपके क्राउन चक्र में प्रवेश कर लिया है। अनुभव करें इसी क्राउन चक्र के हजारों पेटल्स जो इसी चेतना से हिल रहे हैं, स्पंदित हो रहे हैं, इस कंपन को महसूस करें। आपके क्राउन चक्र में आते हुए कंपन जो शिवा की फ्रीक्वेंसी है, कृष्णा का लव है, बुद्धत्व की ज्योत है, स्पिरिचुअलिटी की फाइनल डेस्टिनी है। यहाँ पे आप पूरी तरह से हायर फ्रीक्वेंसी में मर्ज हो चुकी हो। आपकी हर धड़कन रोम रोम, शरीर का कण कण पुकार रहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बहुत ही शांत रहकर अपने अंदर का एक्सपीरियंस करें। अनुभव करें इसी बुद्धत्व का, शिव तत्व, प्रेम तत्व और बुद्ध तत्व अब आपके अंदर पल रहा है, उभर रहा है। गहरी सांस लेते हुए इसी हायर एनर्जी का शुक्रिया अदा करें। सभी भगवान
देवी देवता, इष्ट देव, गुरुदेव, साईं बाबा, सिंबल्स के एनर्जी का, एंजल्स का, ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतना का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करें और गहरी सांस लेते हुए शिवा कृष्णा और बुद्धत्व को अपने अंदर समा लें, अपने हृदय में समा लें और धीरे से अपनी ऊर्जा को हर चक्र में स्टोर करते हुए जब भी आपका मन करे इसी प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें। बहुत ही प्यारा अनुभव और अनुभूति के साथ, धन्यवाद की भावना के साथ आप सभी को नमन करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का शुक्रिया, आभार, स्पेशल उदय सर का आभार। सो मुझे सहयोग देने के लिए और अपने आप को बुद्धत्व की ओर ले जाने के लिए थैंक यू वेरी मच। उदय सर का आभार व्यक्त करते हुए आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।